नमस्कार दोस्तों, फाइट कोरोना फ्लूट सीरीज में तेजपाल का नमस्कार। अभी तक हम पिछले 3 ट्यूटोरियल में अलंकास का प्रैक्टिस सीख चुके हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा। आप जस्ट फील द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अलंकार। अलंकार प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी सॉन्ग में जो आलाप होता है या उसका इनिशियल जो टच होता है उसमें और सुंदरता आ जाती। पंख होते तो उड़ाती मैं, उसमें राग भूपाली के राग सारे गा पा धा सा को लेकर के एक सीक्वेंस वाला बेसिक अलंकार से उसकी इनिशियल टोन बनाएंगे। जैसे कि यह है, इस तरह का। उसके बाद फिर आगे है थोड़ा वेरिएशन के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये अलंकार खूब प्रैक्टिस करना है आज आपको। साथ ही साथ एक एक अलंकार हमारा रह गया था, उसका और प्रैक्टिस कराएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि इसको 3 ताल पर किस तरह से हम अलंकारों के साथ अपना सेटिंग करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने जो अगर पिछले ट्यूटोरियल देखा होगा तो सारे अलंकार विदाउट 3 ताल थे। अब वो ये ताल के साथ बजाओगे तो आपको एक अलग ही इफेक्ट आएगा। जैसे सा रे गा रे गा मा, इस तरह का अलंकार अगर हम 3 ताल के साथ बजाते हैं। ये मैंने 3 ताल ऑन किया है, कहीं पर भी आप अपने फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू प्ले दीज अलंकार विथ द हेल्प ऑफ 3 ताल। 3 ताल इज, 3 ताल इज अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन विच यू कैन गेट इन एनी ऑफ द, यू कैन गेट इट फ्रॉम प्ले स्टोर। आप इसको इंस्टॉल कीजिए और इसके साथ आपको बहुत आनंद आएगा। यू विल गेट मोटिवेटेड एंड ऑटोमेटिकली आपका रिदम जो है वो सेट होगा धीरे धीरे से। तो आज इसके साथ ये छोटा ट्यूटोरियल है, इसके साथ में एक और अलंकार हम ऐड कर रहे हैं जो कि मैंने अभी लास्ट में बजाया भी था। दिस इज सा ग रे मा ग प म ध प नी ध सा सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा। विल प्ले इट विदाउट 3 ताल। ओके okay. अब 3 ताल के सेंस को जाते हैं। जब आप 3 ताल के साथ बजाते हो तो रुकने का मन नहीं करता। इट यू नो इट एड्स ऑन टू योर प्लेजर एंड यू स्टार्ट फीलिंग इन अ वेरी प्रेजेंट। यू डोंट फील लाइक स्टॉपिंग इट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही है।
फिर से यही सलाह दूंगा, लॉकडाउन पीरियड है, घर में रहिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, लॉट्स ऑफ अलंकार एंड अलंकार, देन ओनली यू विल बी थ्रू विद योर फिंगरिंग टेक्निक्स एंड देयर ब्लोइंग. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.